पीटीटी काउंसलिंग 2019 का वेट कर रहे हमारे समस्त साथियों का ज्ञानधार हर्षोली चैनल के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं आपसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का। साथियों, पीटीटी काउंसलिंग की डेट के विषय में तो चर्चा करेंगे ही, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि यदि काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाए तो आपको कितनी काउंसलिंग फीस वापस मिलेगी, यदि कॉलेज का अलॉटमेंट नहीं होता है तो फिर आपको कितनी फीस रिटर्न होगी, इसकी चर्चा भी हम आज की वीडियो में करेंगे। और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट कुछ इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, उनकी चर्चा भी इस वीडियो में होने वाली है। इसलिए आज इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि ये राजस्थान के परीक्षार्थी बेरोजगारों से जुड़ा हुआ एकमात्र चैनल है जो आपकी प्रत्येक समस्या, प्रत्येक क्वेश्चंस का रिप्लाई करने का पूर्ण प्रयास करता है। साथियों, इसी के साथ फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हो सकता है आपके प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई नहीं हो, आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपके कमेंट का रिप्लाई मैं वीडियो बनाकर ज़रूर कर देता हूं। फिर भी यदि कोई आपकी क्वेरी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब चलते हैं साथियों हम आज के अपने सब्जेक्ट की तरफ, काउंसलिंग डेट की चर्चा करें। इससे पहले साथियों, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यदि काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज मिल जाता है तो आप याद ध्यान रखें, जो 5,000 रुपये काउंसलिंग फ़ीस आपकी जमा होती है उसमें से 600 रुपये कटेंगे, अर्थात 600 रुपये कट करके आपको 4,400 रुपये वापस दिए जाएंगे। दूसरी तरफ यदि आपको कॉलेज का आवंटन नहीं होता है तो ध्यान रखें, केवल 200 रुपये ही आपके कटेंगे और 4,800 रुपये आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। तो ये तो थी बात काउंसलिंग के बाद फीस, जो काउंसलिंग फीस है उसके रिटर्न की। तो यदि कॉलेज अलॉट हो जाता है तो 600 रुपये कटेंगे और अलॉट नहीं होता है तो आपके मात्र 200 रुपये ही कटेंगे। रिफंड की प्रोसेस क्या है तो वो भी हम देख लेते हैं। आपको बता दें, पीटीटी काउंसलिंग की फ़ीस जब रिटर्न होती है तो उसके लिए आपको रिफंड के लिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी होती है, यूँ कहें कि ऑनलाइन एक फॉर्म भरना पड़ता है आपको। काउंसलिंग जो पीटीटी की फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड और थर्ड, जब पीटीटी काउंसलिंग के सभी चरण समाप्त हो जाएंगे इसके बाद यदि आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो पीटीटी की तरफ से आपको एक विकल्प उपलब्ध कराया जाता है। उस विकल्प से, उस लिंक पर जाकर के आप फॉर्म भर दीजिए, आपके जो पेमेंट है, रिफंड है काउंसलिंग का, वो आपका जो परमानेंट एड्रेस है उस पर चेक के द्वारा भेज दिया जाता है। संपूर्ण प्रक्रिया में 6 से 8 महीने लगभग लग जाते हैं, इतने दिन का इंतज़ार आपको ज़रूर करना पड़ेगा। इसलिए आप याद रखें कि यदि आप बीएड नहीं कराना चाहते पीटीटी काउंसलिंग के बाद, भले ही कॉलेज अलॉट भी हो जाए, तो आपको हमने बता दिया है 600 रुपये कट के आपके परमानेंट एड्रेस पर चेक भेज दिया जाएगा। साथ ही आपको उस लिंक एक्टिवेशन का इंतज़ार करना होगा और वो कब होगा वो बता देते हैं। पीटीटी की तीनों काउंसलिंग हो लेंगी, इसके बाद में यह लिंक एक्टिवेट किया जाता है। साथियों, जुड़ी रही इस वीडियो के साथ में अंत तक, क्योंकि अंत से पहले हम इसमें आपकी जो काउंसलिंग की डेट है उसके बारे में भी ज़रूर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको काउंसलिंग के समय तैयार रखने, इनमें सबसे पहला बैंक का चालान कि आप जो काउंसलिंग की 5,000 रुपये फीस जमा करेंगे वो चालान आपको रखना है। अगला, पीटीटी का जो रिजल्ट आउट हुआ था 30 मई को, उसकी मार्कशीट की कॉपी भी नेट से निकलवा के आपको रखनी है। इसके साथ आपको एक घोषणा पत्र भी देना होगा, शपथ पत्र स्वयं घोषणा का, जिसमें आप सत्यापित करेंगे कि आपने जो भी जानकारी दी है वो अपनी जानकारी के अनुसार बिल्कुल सही है। इस आशय का एक घोषणा पत्र भी आपको देना होगा। इसी के साथ में 10th और 12th की आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों लगेंगे। यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है वो भी लगेगा। इसी के साथ में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जिसमें ST OBC BC MBC जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट भी नेसेसरी है। आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र और माइग्रेशन, ये भी इसके लिए आवश्यक हैं। यदि आप विकलांग, विधवा, तलाक, भूतपूर्व सैनिक आदि से रिलेटेड हैं तो इस कैटेगरी के से जो रिलेटेड जो सर्टिफिकेट है उसको भी आप बनवा के तैयार रखें। तो सरसरी तौर पर आप इन डॉक्यूमेंटों को बनवा के तैयार रखें। आप चलते हैं हम आज अपने आखिरी टॉपिक की तरफ और वो है इसकी काउंसलिंग की डेट। साथियों, पिछली वीडियो में हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि आपकी जो काउंसलिंग की डेट है वो एक्सटेंड क्यों हो रही है, उसका कारण भी हमने बताया था कि जब तक स्नातक लेवल के अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम जारी नहीं कर देती यूनिवर्सिटीज, आपकी काउंसलिंग की संभावनाएँ बहुत ही रेयर है। फिर भी एक हल्की सी जो न्यूज़ अपडेट मिली है उसके अकॉर्डिंग आपको बता देते हैं। कुछ अभी सूत्रों से खबर लगी है कि कुछ परसेंट संभावना है कि सोमवार से
अर्थात आगामी जो सोमवार अभी जो आने वाला है, इस सोमवार से आपकी जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो सकती है। या हम एक नज़र में हम आपको बता दें कि 22 तारीख तक की कॉलेज रजिस्ट्रेशन की डेट है और 24 तारीख से हो सकता है काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया जाए, लेकिन ये 100% सत्य नहीं है, ये एक संभावना है जो हमने आपको बताई है। फिर भी आप आश्वस्त रहें, आपको बता देते हैं कि ज़्यादा तो संभावना यही है कि जब तक अंतिम वर्ष का सभी यूनिवर्सिटीज़ का परिणाम नहीं आ जाता, PTET काउंसलिंग का शेड्यूल जारी नहीं करेगी। लेकिन जो लेटेस्ट खबर मिली सूत्रों के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार 24 की संभावना बन रही है, तो आप इसको भी 24 तक इंतज़ार करके देखें। साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स थी जिनको लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए। इसी के साथ आप संपूर्ण लेटेस्ट अपडेट, शिक्षा संबंधी सामग्री देखना चाहते, इनकी PDF डाउनलोड करना चाहते, तो आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। साथियों, वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर देना। आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।